अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में बंद के दौरान आपसू कार्यालय में तोड़फोड़ करने वालों की गिरफ्तारी की मांग और 17 व 18 फरवरी को उत्पन्न हुए हालात पर गृहमंत्री की ओर से स्पष्टीकरण की मांग में आहूत 14 मार्च के प्रदेश बंद को वापस ले लिया गया है। छात्र संघ का कहना है कि चूंकि सरकार की ओर से उनकी मांगों को पूरा कर लिया गया है, इसीलिए उन्होंने 14 मार्च के अपने बंद के आह्वान को वापस ले लिया। आज का प्रेस ब्रीफिंग रिगार्डिंग हम लोग का जो 14 को जो हम लोग ने बंद को डिक्लेयर किया उसी को लेकर स्पेसिफिक हम लोग का आज प्रेस ब्रीफिंग है। 5 तारीख को हम लोग आपसू ने बंद को डिक्लेयर किया, हमारा मीटिंग रखा, ऑल दी इश्यू हम लोग ने आपसू ऑफिस में हम लोग ने मीटिंग रखा। हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से 7 तारीख को कॉरेस्पॉन्डेंट आया डिस्कस करने के लिए, तो आज सुबह 10 बजे हम लोग ने जमीन सीएम चैम्बर पे मीटिंग बैठ के हम लोग आया है। 2.4 डिमांड, एक है कि हमारा जो स्टेट का होम मिनिस्टर का क्लैरिफिकेशन 17 और 18 को जो उन्होंने मिस हैंडल किया पब्लिक को और इश्यूज़ को, और सेकंड जो है हमारा आपसू ऑफिस को जो वेंटिलाइज किया है उस बंद कॉल का दौरान, उस 2 पॉइंट को लेके हम लोगों ने बंद कॉल रखा हुआ था उसको आज हम लोग ने डिस्कस किया ऑनरेबल सीएम के साथ में। तो ऑलमोस्ट हम लोग का जो डिमांड था उसने आज गवर्नमेंट ने फुलफिल कर दिया। आपसू ऑफिस को जो वेंटिलाइज किया वो जो लड़का लोग को होम डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस की तरफ से रिटर्न किया गया है। ओवरऑल 10 लड़का को रेदर में लाया है, उसमें से 4 को उन लोगों ने डिटेन किया, 4 में 4 का 4 ही जुवेनाइल है। इसी का चलते पुलिस डिपार्टमेंट जो उनका नाम को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, और इस विषय पे आपसू का भी राय यही है कि जिसको अरेस्ट किया है जो लड़का डिटेन हुआ है वो भी हमारा ही लड़का है, हमारा ही एक्टिविस्ट है, कहीं ना कहीं मिसलीड हुआ है, उनको मिसगाइड हुआ है, इसलिए उन्होंने नहीं समझ के आपसू ऑफिस को उसने डिक्लेयर किया। वहीं गृह मंत्री बमांग फेलिक्स का भी बयान सामने आया है, वो भी आपको सुनाते हैं। फरवरी 3 में ये हमने निर्णय लिया था कि 17 फरवरी को पुल कमीशन का एक स्वेयरिंग इन होगा, पुल कमीशन का तो स्वेयरिंग इन होने का बाद में हम लोग फिर फरवरी का 28 में फिर एक मुलाकात करने का एक डिसीजन था, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ थोड़ा सा उसमें गलतियाँ ये हो गया कि जो फरवरी 20 में मीटिंग हुआ था उसका माइनस ऑफ द मीटिंग जो है निकलने में लेट हो गया, जो आज आप सब लोग क्वेश्चन कर रहा है, और मैं मानता हूँ कि वो माइनस निकलने में लेट हुआ है, जबकि हम लोग सरकार की रिप्रेजेंटेटिव में था, आपसू का था, आंसू का था और पैन अरुणाचल जॉइंट एक्शन कमेटी का था। तो हम लोग जो है डिस्कस करके ये था कि ये स्वेयरिंग इन सेरेमनी को सही महीने में जाने दे के और बाद में लिखित रूप में जो उन लोग चाहिए जो जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव से पैन अरुणाचल का हो या आपसू का या आंसू का हो लिखित रूप में लाएंगे, फिर हम लोग डिस्कस करके हम लोग जो है जो सरकार का तरफ से जो पोवर्ड करना है जो सरकार का ये परव्यू में नहीं है वो चीज़ को हम लोग जो है ये पब्लिक सर्विस कमीशन पुल कमीशन कंसोने को हम लोग पोवर्ड कर देंगे, तो जो भी निर्णय लेने वहाँ लेंगे, बिकॉज द जुरिस्डिक्शन ऑफ टेकिंग मैंने सम ऑफ द डिसीजंस लाइज एट द अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो माइनस जो है निकलने में तो लेट कारण से तो बीच में बहक गया, तो इसी चीज़ को लेके आपसू आज क्वेश्चन किया, और मैं मानता हूँ कि वो माइनस निकलने में लेट हुआ है, जिसको बार बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में भी बोल दिया कि ये माइनस निकलने में लेट हो गया, तो गर्व उसका कारण से मिस कम्युनिकेशन हो गया, मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो ये था। तो इसलिए मैं आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के सामने में आपसू वालों को बोला है कि हाँ थोड़ा माइनस निकल लेट हो गया, गलतियाँ हो गया, तो इस गलती को हम लोग बार बार दोहरा के पैदा दें, इस गलती को हम लोग बार बार एक दूसरा को बोल के पैदा दें, तो गलती तो हो कभी कभी हो जाता है, तो वो अभी थम गया। और अभी जो है हम लोग जितने भी जो आगे बढ़ेंगे तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी यही कन्वे किया कि
हम लोग सब मिल के एक सोल्यूशन की तरफ जाना है। जो 18th फरवरी में जो भी हम लोग एक रेजोल्यूशन आया या आगे जो भी हो उसको हम लोग एक सोल्यूशन के रूप में लेके आके हम लोग सब मिल के वी ऑल मस्ट फाइट टुगेदर फॉर ए परमानेंट सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की तरफ जाना है, तो इसीलिए हम लोग का आज मैंने कन्वे कर दिया कि जो दो पॉइंट है अभी एसपी साहब जो जिमी चिराग ने भी बताया कि वो पूरा पुल पुलिस जो है पुल एक्टिव में उसका जो इन्वेस्टिगेशन को चल रहा है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, क्वेश्चन भी किया गया, जितना जो सोर्सेस है उनको भी पता लगाने की कोशिश किया। और दूसरा पॉइंट है जो आपसू ने कहा कि मेरा चेयरमैनशिप में जो मीटिंग हुआ है वो माइनस ड्रॉ नहीं होने के कारण से कुछ मिस कम्युनिकेशन हुआ है, मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसका कारण से बैग गया। हम लोग एक साथ मिल के आगे कैसा समाज को या अरुणाचल को आगे ले जाना है हम लोग बैठ के बातचीत करके करेंगे। लेट अस वर्क आउट ए फॉर्मूला फॉर ए परमानेंट सॉल्यूशन टू ऑल दोज प्रॉब्लम्स। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारी संवाददाता मरीना दाई के साथ। मरीना, गृहमंत्री ने स्वीकारा कि मिस कम्युनिकेशन हुआ, कहीं ना कहीं गलती हुई जिस वजह से इस तरह के हालात उत्पन्न हुए। मरीना जी हाँ, मैं पहले बताना चाहूँगी कि आज ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में मीटिंग हुआ था। आपसू ने पहले प्रपोज किया था कि आने वाले दिनों जो 14 मार्च में वे एक बंद कॉल रखेंगे, स्टेट वाइड बंद कॉल। तो उसमें जो डिमांड था कि आपसू के ऑफिस को वेंडलाइज जैसा किया गया था लास्ट टाइम के जो बंद कॉल में, जो कि 18 फरवरी के महीने में हुआ था, तो उस समय में जो वेंडलाइजेशन हुआ था और कुछ डिमांड्स थे कि उन्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए था होम मिनिस्टर से कि उन्होंने सिचुएशन को किस तरह से मिसहैंडल किया, सिचुएशन एपीपीएससी मैटर को लेके जो मिसहैंडल्ड हुआ है, जो पब्लिक में जो इशू और भी ख़राब से एक्सट्रीम से जो बढ़ गया था एपीपीएससी मैटर को लेके। तो इसके ऊपर में आज अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन एंड गवर्नमेंट के बीच में मीटिंग हुआ। तो उस मीटिंग का जो आउटकम है, तो हमने जैसे अभी सुना कि आपसू जो बंद कॉल था अभी वो लोग कॉल्ड ऑफ करने वाले हैं। जो मीटिंग का आउटकम है मैं बताना चाहूँगी कि दो पॉइंट्स में डिस्कशन हुआ है। फर्स्ट तो आपसू ऑफिस को के वेंडलाइजेशन के ऊपर में, और सेकेंडली एक क्लैरिफिकेशन आपसू को चाहिए था होम मिनिस्टर से कि मिसहैंडल एपीपीएससी मैटर को क्यों मिसहैंडल किया गया। तो फर्स्टली जो पॉइंट था जो कि वेंडलाइजेशन, तो उसके ऊपर में हमने हमारे होम मिनिस्टर से सुना कि अभी वेंडलाइजेशन के ऊपर में वे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जोरों से शुरू हो गया है। ऑलरेडी 4 persons, 4 लोग ऑलरेडी डिटेंड है वेंडलाइजेशन को लेके। एंड सेकेंडली जो पॉइंट था कि सिचुएशन को कैसे करके मिसहैंडल किया गया था एपीपीएससी मैटर को, तो हमने सुना कि अभी होम मिनिस्टर ने बयान दिया कि स्टेटमेंट दिया कि जो मैटर है वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी तरफ से कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया है पब्लिक और जो आपसू के बीच में, ये बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है वो मानते हैं कि जो गलतियाँ है। यस जी मरीना, परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं गृहमंत्री, लेकिन कैसे निकलेगा इसका स्थायी हल? जी जिसकी हमने सुना होम मिनिस्टर से कि जो एपीपीएससी मैटर है इसको मिसहैंडल जैसा किया गया था, तो होम मिनिस्टर ने स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि मिसहैंडल्ड हुआ है, मिस कम्युनिकेशन हुआ है। तो इसीलिए वो अभी कह रहे हैं कि कुछ मैटर होता है जो कमीशन ही, जो अरुणाचल पब्लिक सर्विस जो कमीशन है वही हैंडल करेंगे। तो कुछ इशू है एपीपीएससी मैटर को तो कमीशन के अंडर में ही है, तो उन्होंने एश्योरेंस भी दिया है कि रिटर्न फॉर्म में वो जल्द से जल्द ही कमीशन को देंगे। तो
तो अब इसीलिए अभी जो आपसू के जो बंद कॉल था वो विड्रॉ हो चुका है। वो सेटिस्फाई है कि जो दो पॉइंट्स थे उनके, वो उन गवर्नमेंट ने उनके पॉइंट्स को सुन लिया है। मरीना, अगर आपसू कार्यालय में तोड़फोड़ की बात करें तो 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो जुवेनाइल है। अब आगे क्या, कैसे होगी कार्रवाई? जी हाँ, हमने सुना है कि जो 4 लोग जो चार लोग डिटेन है वो जुवेनाइल है। तो अभी भी लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वेंडलाइजेशन के ऊपर में, तो अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन के ऊपर में काम कर रहे हैं, तो आगे जाके ही हमें पता चलेगा कि जो मैं कैसा करके ये वेंडलाइजेशन हुआ है, किस तरह से हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के ऊपर में वो इंटरोगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वेंडलाइजेशन के ऊपर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मरीना इस तमाम जानकारी के लिए।